हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे ये देखिए, ये बॉस्टन फर्न की बात करूंगी। मैंने बॉस्टन फर्न पे एक वीडियो पहले बनाई हुई है, दो बनाई हुई है शायद। एक तो बॉस्टन फर्न के केयर की बनाई हुई है और एक मैंने बनाई हुई है कि गर्मियों में हम बॉस्टन फर्न को कैसे प्रोटेक्ट करें। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपके पास बॉस्टन फर्न है और आप गर्मी में उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है उसको, और मैंने इस बार खुद अपनी भी ये फर्न उसी तरीके से बचा के रखी थी। तो मेरे पास अभी भी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि हमारी बॉस्टन फर्न का प्लांट जो है वो बॉस्टन फर्न का प्लांट जो है वो सूख गया है और बच नहीं रहा है। तो बॉस्टन फर्न का क्या होता है कि गर्मी में ये बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हमारे जैसी जगहों पर। मैं राजस्थान में हूँ, तो ऐसी जो वार्म एरियाज़ जो होते हैं, उन एरियाज़ में ये गर्मियों में स्पेशली बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, मेरा ये इस बार गर्मी में भी बहुत अच्छा चला। एक मेरा प्लांट है वो गर्मी में सूख गया था बिल्कुल भी, लेकिन अब उसमें भी स्प्राउट आने लग गए हैं। मैं अभी आपको वो वाला प्लांट भी दिखाऊंगी अपना। तो इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ था जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि गर्मी में कैसे रखना है। तो बॉस्टन फर्न क्यों सूख जाता है, इस पर हम बात करते हैं। गर्मी में आप इसको बचा के रखिए, और इसके नीचे ये ऐसी वाली जो ट्रे होती है ये ज़रूर रखिए। ये मैं अभी सर्दियों में भी रखूंगी, क्योंकि बॉस्टन फर्न को जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो होता है इसके चारों तरफ मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। इसको अपने चारों तरफ थोड़ी सी वार्म्थ और मॉइस्चर चाहिए होता है। देखिए, जहाँ मॉइस्चर रहेगा वहाँ वार्म्थ तो रहेगी, थोड़ी सी गर्माइश तो वहाँ पर रहेगी मॉइस्चर की। तो इसको मॉइस्चर अच्छा लगता है। तो आप जब भी इसको रखें तो ऐसी जगह रखें, एक तो शेड हो, धूप नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा अराउंड मॉइस्चर, गीला सा अराउंड रहना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये ऐसी जगहों पर ही मिलता है पहाड़ों में, जहाँ मॉइस्चर सा हर वक्त रहता है और वहाँ तो ये वाइल्ड ग्रो करता है। तो ऐसे इसको दें, तो एक तो इसको जहाँ झुंड ज़्यादा गमले रखे हुए हों आपको, उनके बीच में आप इनको रखें, और ऐसे नीचे ट्रे इसके ज़रूर रखें, या इसके पास कोई पानी का बर्तन भर के रख दें, तो ऐसा इसको मॉइस्चर। और देखिए, मैंने तो अपने इस फर्न में क्या किया हुआ है, नीचे ये देखिए, ये टर्टल वाइन लगा दी हुई है। ये मैंने गर्मियों में लगाई थी ताकि इसके जो यहाँ से जो है वो पानी ज़्यादा सा इवेपोरेट नहीं हो। लेकिन आप इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, अगर टर्टल वाइन तो लगाएंगे तो देखिए ये भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी लेगा मिट्टी का। तो आप इसकी जगह एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे कोकोनट जो होता है, नारियल के जो ब्राउन वाले छिलके निकलते हैं, हमारे जटा वाला जो नारियल आता है वो, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नारियल के ये वाले जो छिलके होते हैं, इनको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे इनके नीचे। इससे दो फायदा होगा, मल्चिंग हो गई है तो ये एक तो मिट्टी का मॉइस्चर को ख़त्म नहीं होने देंगे, दूसरा ये खुद भी पानी को, देखिए अभी भी ये गीला है, ये खुद भी ऐसे पानी को एब्जॉर्ब रखेंगे। तो मैं गर्मियों में या वैसे भी, जैसे बॉस्टन फर्न में मैंने ये लगाया हुआ है, अभी अगर मैं ये नहीं लगा हुआ होता तो मैं इसमें ये ऐसे रख देती हूँ। तो ऐसे रखने से क्या है कि ये मॉइस्चर ट्रैप रहता है, तो इसका जो मॉइस्चर है ये भी इस प्लांट को मिलता है, और मिट्टी में भी मॉइस्चर को ये ट्रैप करके रखता है। और अगर हम फूड की बात करें तो इसको नाइट्रोजन फूड ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये जो है पत्ती वाला प्लांट है, और वैसे इसको बहुत ज़्यादा फूड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 20 दिन में देती हूँ सारे प्लांट्स को, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो मैं इसको भी देती हूँ, और महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देती हूँ। और देखिए कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट। तो इसमें मेन चीज़ है, इसको मॉइस्चर मिलना चाहिए, जहाँ थोड़ी सी बहुत गर्मी तेज होने, वार्म्थ चाहिए इसको, गर्मी नहीं चाहिए। तो जहाँ गर्मी तेज होने लग जाती है और ड्राइनेस आने लग जाती है, तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और मैंने इसको जो है अपनी जो मेरा रूफ टॉप है वहाँ पर एक फाइबर शीट रखी हुई है मैंने, उस फाइबर शीट के ऊपर मैं बहुत सारे गमले रख देती हूँ। तो उसमें क्या है, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा रहता है फाइबर शीट पे, तो उसकी इसको ठंडक मिलती रहती है और छाया मिलनी जरूरी है। ऊपर इसको हमारे टैंक की, ओवरहेड टैंक की छाया में भी रहता है, तो वहाँ ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इसको ये दो चीज़ें मिलनी बहुत ज़रूरी है। और फिर आप इसको गर्मी में भी और अभी भी सर्दी में भी आप इसको रोज मिस्टिंग जरूर करें। देखिए मैं ये मिस्टिंग कर रही हूँ, इनको पानी डाल रही हूँ, ये देखिए इसके ऊपर। तो आप इसकी मिस्टिंग जरूर करें, क्योंकि इसको
जो है वो मॉइस्चर अच्छा लगता है। देखिए ये एक बॉस्टन फर्न, दूसरा है मेरे पास, ये इसको गोल्डन बॉस्टन फर्न कहते हैं। देखिए इसके पत्तों का कलर गोल्डन है, और ये जो गोल्डन बॉस्टन फर्न है इसको भी वही मॉइस्चर चाहिए और थोड़ी सी गर्माइश हो। मेन तो मॉइस्चर होता है, मिट्टी में चाहिए होता है ये देखिए। और मिट्टी में आप वही तीन हिस्सा मिला के मिट्टी बनाते हैं, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा इसमें खाद के डाल लेते हैं। खाद में गोबर खाद, नीम खली थोड़ी थोड़ी मिला के, मतलब ज़्यादा तो गोबर खाद लेंगे, उसमें थोड़ी सी नीम खली मिला लीजिए अंदाजन, थोड़ी सी सरसों खली मिला लीजिए। तो वो आप ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली, इससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्डी होती है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह चलती है, जल्दी मरती कम है। वैसे तो डेलिकेट ही है जैसे फर्न है, लेकिन फिर भी ये इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा चलती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे को ये अच्छी रहती है ऐसे बोलने की आदत है, प्लांट है ये अच्छा चलता है, वो मेरी डॉटर गुस्सा होती है, आप चलती है बोलते रहते हो। तो ये प्लांट जो है वो, ये भी मुझे बहुत पसंद है, देखिए गोल्डन है ये। और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मेरा प्लांट जो है वो गर्मियों में सूख गया था और वो उसमें अभी दोबारा से स्प्राउट आ गए हैं। और ये वाला प्लांट देखिए, ये बॉस्टन फर्न है, ये बिल्कुल सूख गया था, ये देखिए ये गर्मियों में मेरा बिल्कुल सूख गया था और ये मिट्टी के गमले में लगा हुआ था और फिर मैंने इसको यहाँ इसमें शिफ्ट कर दिया। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये देखिए ये फाइबर शीट लगी हुई है, ये देखिए ये फाइबर शीट लगी हुई है, तो इसके ऊपर मैं गमले, वो देखिए कोलियस की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है उसमें, ये मनी प्लांट इसके पास बहुत अच्छा चल रहा है ये देखिए। तो ये इस शीट पे मैं रख देती हूँ, यहाँ पे छाया रहती है इस जगह, इस टंकी की छाया रहती है, तो इस जगह मैंने इसको रख दिया था। तो इस शीट में यहाँ पे पानी सा इकट्ठा रहता है थोड़ा थोड़ा सा, जब मैं दे देती हूँ पानी, अभी देना है मुझे, तो उससे क्या होता है कि देखिए ये दोबारा से स्प्राउट हो गया। तो अगर आपका भी बॉस्टन फर्न एकदम से सूख जाता है तो आप उसको समय दीजिए, वो एकदम से उखाड़ के फेंकिए नहीं, और ये ऐसे बारिश में आपका ऐसे दोबारा से, ये देखिए दोबारा से ऐसे आपका प्लांट जो है वो दोबारा से स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा। और क्या है, इसके लिए जो अब ये सर्दी का मौसम आ रहा है ये कंपैरेटिवली अच्छा होता है, सर्दी में ये अच्छा ग्रो करेगा, ठंडा टेम्परेचर रहता है, दिन में थोड़ी सी वार्मथ रहेगी, रात को ठंडक रहेगी, तो वो इसको अच्छा लगता है और इन दिनों ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। शेड में, अगर आपके पास बरांडों वगैरह में, हैंगिंग बास्केट्स वगैरह में भी आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो करता है और ये एयर को भी बहुत प्योरीफाई करता है, बहुत अच्छा प्लांट है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ आपको कि जब हम छोटी सी पौध को ट्रांसफ़र करते हैं तो मैं कहती हूँ पहले छोटे गमले में करिए, उसके बाद बड़े में गमले में करिए। तो देखिए ये मैंने एक, ये जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे गुलदाउदी की प्लांट्स, छोटे वाले सीडलिंग्स, तो ये मैंने देखिए इतने छोटे से गमले में लगाया हुआ है इतनी मिट्टी भर के, और ये बड़े गमले में लगाया हुआ है। तो देखिए ये छोटे गमले वाले का, क्योंकि अगर प्लांट छोटा है तो उसमें आप छोटा गमला लेंगे तो वो प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, ये छोटे में लगाया तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये सीधा मैंने 9 इंची में लगा दिए थे तो इनकी ग्रोथ देखिए थोड़ी सी कम है, होगी लेकिन इनको टाइम लगेगा अभी, और ये छोटे गमले में है तो देखिए कितना अच्छा है। तो इसलिए जब भी आप छोटा सीडलिंग लगाएं तो पहले उसको छोटे गमले में लगाएं, बाद में उसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।